वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज हम टीजीटी और पीजीटी का जो है पूरा एक ही यूनिट में कह लीजिए हम पूरा ये फिनिश करेंगे आपका प्लांट किंगडम। कौन सा? ये पूरा पूरा का पूरा प्लांट किंगडम। देखिए ये हमारा जो है कानपुर का ये नोट्स है, ठीक इसी नोट से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो कह रहा है कि प्लांट किंगडम, अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें, प्लांट किंगडम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैमिया और फेनरोगैमिया। ठीक, क्रिप्टोगैमिया वो प्लांट रखे गए हैं जिसमें फ्लावर फ्लावर लेस होते हैं और ये सीडलेस होते हैं, और फेनरोगैमिया में वो प्लांट रखे गए हैं जिनमें सीड बनता है और जिनमें सेक्स आर्गन हम आँखों से देख सकते हैं, जिनमें सेक्स आर्गन आँखों से नहीं देख सकते, हिडन होते हैं, उनको क्रिप्टोगैमिया में रखा गया है। अगर क्रिप्टोगैमिया में देखें तो हम तीन पार्ट में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में डिवाइड कर दिया गया है। थैलोफाइटा वो होते हैं जिनमें कि एम्ब्रियो नहीं बनता है, ठीक है, और ये सबसे प्रिमिटिव होते हैं, यानी कि सबसे ये पुराने प्लांट होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं पाया जाता, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं सबसे पहले एम्ब्रियो यहाँ पर बना, इसीलिए ब्रायोफाइटा को एम्ब्रियोफाइटा भी बोला जाता है, यानी कि एम्ब्रियो की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? ब्रायोफाइटा से हुई है। आपके टीजीटी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 इसमें पूछा जा चुका है। तो एम्ब्रियो सबसे पहले आपके ब्रायोफाइटा में बना और इसमें अभी भी वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट थे, यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं थे। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, स्ट्राइल जैकेट लेयर होती है, और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रायोफाइटा में याद रखिएगा कि ये एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं, क्योंकि इनको सेक्स करने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है और ये टेरेस्ट्रियल पे होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, अब देखिए ब्रायोफाइटा में अगर हम देखेंगे तो ब्रायोफाइटा को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, लीवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स और मॉसेस में डिवाइड कर दिया गया है। लीवर बर्ड्स को बोलते हैं हिपैटिकोप्सिडा, हार्नवर्ट्स को बोलते हैं एंथीरोकोप्सिडा और मॉसेस को बोलते हैं ब्रायोप्सिडा का मेंबर बोलते हैं। ठीक है, लीवर बर्ड्स जो होते हैं थायलॉइड प्लांट बॉडी होती है, थायलॉइड का मतलब होता है जिनको रूट सूट और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग बोलते हैं थैलस। जैसे थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मतलब होता है इसमें आएगा आपका एल्गी, क्या आएगा? एल्गी आएगा, तो इसको रूट सूट और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको थैलोफाइटा बोलते हैं। तो लीवर बर्ड्स भी आपका थैलस होते हैं। हार्नवर्ट्स जो होते हैं इसको बोलते हैं एंथीरोकोप्सिडा, और इसमें जो होते हैं इसका जो थैलस होता है इसमें एक सींग की तरह स्ट्रक्चर निकला होता है, हॉर्न, हॉर्न का मतलब सींग होता है, इसलिए हॉर्नवर्ट्स बोलते हैं। मॉसेस को ब्रायोप्सिडा, क्योंकि इसमें आपका आपका मॉस आएगा। ठीक है, लीफ स्टेम राइजोइड्स में ये इनमें अब्सेंट होते हैं, मॉसेस में ये भी थैलस लाइक होता है। अगर हम ये आपका था ब्रायोफाइटा के तीन पार्ट, अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और फेनरोगैमिया में आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कनेक्ट करता है। कौन? टेरिडोफाइटा। इसीलिए टेरिडोफाइटा को बोल सकते हैं हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन द फेनरोगैम और क्रिप्टोगैम के बीच में कनेक्टिंग लिंक टेरिडोफाइटा को बोल सकते हैं। और जाइलम फ्लोएम का स्टार्टिंग पूछेगा तो भी टेरिडोफाइटा से, सीड हैबिटेट पूछेगा तो भी टेरिडोफाइटा से। ठीक है, यानी कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ है आपका टेरिडोफाइटा से ही डेवलपमेंट स्टार्ट होना चालू। एम्ब्रियो आपका सबसे पहले मोर एडवांस कहाँ पे बना? सबसे आकर के टेरिडोफाइटा में बना। ठीक, तो इसीलिए इनमें जाइलम फ्लोएम बना और ये क्रिप्टोगैमिया के मेंबर हैं, तो इसीलिए इसको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम बोलते हैं। ओके, और इनमें मल्टीसेलुलर विद स्ट्राइल जैकेट लेयर पाई जाती है। टेरिडोफाइटा, इनको टेरिडोफाइटा को एक लिख लीजिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। फेनरोगैमिया में आ जाइए, फेनरोगैमिया में जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है, और आपके जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं पाई जाती है, इसीलिए आपको फ्रूट नहीं बनता है, यहाँ पर फ्रूट नहीं बनेगा, और जिम्नोस्पर्म में खाली और खाली ओव्यूल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सीड बनेगा, लेकिन एंजियोस्पर्म में ओवरी भी पाई जाती है और आपका ओरी के साथ साथ आपके ओव्यूल भी पाए जाएंगे, इसलिए फ्रूट भी बनेगा, सीड बनेगा। इसको फर्दर डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड कर दिया गया है। चलिए आइए एल्गा देखते हैं। एल्गी में क्या क्या कह रहा है कि एल्गी में फादर ऑफ एल्गी जो होते हैं, फादर ऑफ एल्गोलॉजी जो होती है एफी फ्रिश को बोलते हैं, और फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी MOP आयंगार को बोलते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एल्गी कैसे होते हैं? क्लोरोफिलस होते हैं, नॉन वैस्कुलर, यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। जितना हम टिक कर रहे हैं खाली वही आप याद रखेगा, सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें सेक्स आर्गन जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और नॉन जैकेटेड होते हैं, लेकिन कारा और नाइटेला कहाँ पे है? यहाँ पे कारा और नाइटेला जो होता है वो मल्टीसेलुलर सेक्स जैकेट लेयर पाई जाती है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं ये, सॉरी, मल्टीसेलुलर होते हैं और ये जैकेटेड स्ट्राइल से लेयर पाई जाती है।
देखिए उडोगोनियम एक ऐसा एल्गी होता है जो कि एपीफिटिक होता है, यानी कि आपके प्लांट के ऊपर पाया जाता है। प्रोटोडर्मा याद रखिएगा, प्रोटोडर्मा जो होता है कछुए के पीठ पर उगता है, और क्लेडोफोरा जो होता है स्नेल यानी कि घोंगे के ऊपर उगता है, इसलिए इसको एपीजोइक बोलते हैं। एंडोफिटिक का मतलब होता है प्लांट के अंदर, नॉस्टॉक एना बीना आपको पता है साइकस रूट में पाए जाते हैं। और एंडोजोइक जो होता है यानी कि एनिमल के अंदर, हाइड्रा वल्गैरिस एक होता है हाइड्रा जिसके कारण हरा दिखाई देता है, उसका नाम होता है जुकलोरेला। जुकलोरा एल्गी जो होती है वो हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अब कह रहा कि एक पैरासिटिक एल्गी का नाम बताइए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहे कुछ एल्गी में याद रखिए ना याद रखिए, इसको जरूर याद रखिएगा। पैरासिटिक एल्गी सेफेलुरास किसका मेंबर है? क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है, जो कि टी और कॉफ़ी पर इसका क्या होता है, पैरासाइट होता है। ये रेड रस्ट डिजीज काज करता है, लाल लाल कलर की पत्तियाँ हो जाती हैं खा करके, इसमें रेड रेड कलर, इसलिए रेड रस्ट बोला जाता है। सिम्बियोटिक एल्गी की अगर हम बात करें तो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, और कौन आएगा इसमें? नॉस्टॉक और एनाबीना आएगा, ठीक है, एंथोसिरास और एजोला भी आएगा, एना बिना एजोली के साथ करता है। अटैच टू द बॉटम, अगर मड से यानी कि बेंथोफाइट की बात करें तो कारा स्टोन वर्ड बोलते हैं, पत्थर चट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये कीचड़ में पाया जाता है, ठीक है। अब सीधे आ जाइए यहाँ पर जू स्पोर में। जू स्पोर किस में बनता है, जू स्पोर कैसे होते हैं? जू स्पोर हमेशा और हमेशा मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं ये? हमेशा और हमेशा जो होते हैं जू स्पोर मोटाइल होते हैं। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरम बनता है। एप्लाइनो स्पोर याद रखिएगा, एप्लाइनो स्पोर जो होते हैं, अच्छा ये सब ये सेक्सुअल स्पोर होते हैं, एप्लाइनो स्पोर थीन होते हैं, ठीक है, थीन होता है। और हिप्नो स्पोर जो होते हैं वो थिक होते हैं, थीन और थिक में कन्फ्यूज मत होइएगा। थीन जो है एप्लाइनो स्पोर में बनता है, और थिक जो होता है वो हिप्नो स्पोर में। पाल्मेरा स्टेज याद रखिएगा, पाल्मेरा स्टेज ड्राई कंडीशन में बनता है, और किस में बनता है? क्लेडो आपका क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में बनता है। एकाइनिट किस में बनता है? क्लेडोफोरा में बनता है, ठीक है। एंडोस्पोर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंडोस्पोर मिक्सोफाइसी के मेंबर में बनता है। अब देखिए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी की बात की जाए तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप का होता है। आइसोगैमस में दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम होती है, यानी कि मेल फीमेल हम पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। और एनाइसोगैमस में क्या होता है, मेल फीमेल पहचान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मॉर्फोलॉजी सेम होती है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें मोटाइल भी हो सकते हैं, एक मोटाइल हो सकता है, एक नॉन मोटाइल हो सकता है, लेकिन मॉर्फोलॉजी सेम होगी। लेकिन ऊगैमस सबसे हाईली एडवांस होता है, इसमें जो मेल होता है वो छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है, और ये स्टैटिक होती है, रुकी हुई होती है। मेल जो होता है ऑलवेज मोटाइल होता है। अब देखिए आइसोगैमस में कौन कौन आता है, क्लेमाइडोमोनास डिबेरियानम यूलोथ्रिक्स आता है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी जो होता है एनाइसोगैमस का एग्जांपल होता है, और ऊगैमस का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास कॉसीफेरा होता है। तो अगर जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो क्लेमाइडोमोनास देखिए तीनों में पाया गया, यानी कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस तीनों में पाया जाता है। और लेकिन अगर इंडिविजुअल आपसे पूछता है तो क्लेमाइडोमोनास डिबेरियानम, ठीक है, उसमें आइसोगैमस क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में आपका, एनाइसोगैमस और क्लेमाइडोमोनास कॉसीफेरा में क्या पाया जाता है, आपके ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास और कलरिंग मटेरियल की, ठीक है, यानी कि पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफाइसी में पिगमेंट ए और बी पाया जाता है, कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर याद रखिएगा जैंथोफाइसी में जैंथोफिल पाया जाता है, ठीक है, और क्राइसोफाइसी में क्या, फाइको क्राइसिन पाया जाता है, फियोफाइसी में जो क्लोरोफिल ए और सी फिकोजैंथिन पाया जाता है, और रोडोफाइसी में आपका क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, उसके साथ फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है जिसके कारण ये रेड कलर देते हैं, फाइको एरिथ्रिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो क्लोरोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, और फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी में लेमिनेरियन स्टार्च होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मैनिटॉल भी बोलते हैं, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और साथ साथ यूग्लिनोफाइसी का याद रखिएगा, पैरामाइलान बॉडी होते हैं, यानी कि पैरामाइलम होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम थोड़ा सा बात करें यूलोथ्रिक्स की, तो यूलोथ्रिक्स जो होता है क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है, यूलोट्राइकेल्स का मेंबर होता है यूलोथ्रिक्स, ठीक है, फिलामेंटस होता है, अनब्रांच होता है, फाउंड इन द मूविंग वाटर विदाउट होल्ड फास्ट, इसमें एक एपिकल सेल होता है सबसे ऊपर, होल्ड फास्ट सबसे नीचे वाली सेल होती है, एपिकल सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन होल्ड फास्ट में कभी भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, विदाउट क्लोरोफिलस होते हैं, ठीक है। और इसमें आउटर प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग होती है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, और अंदर वाली लेयर जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। इसमें ये याद रखिए गर्डल सेप, ठीक है, या रिंग सेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, गर्डल सेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। और यहीं पर अगर हम बताएं कि स्पाइरोगायरा में, तो स्पाइरोगायरा में रिबन सेप का पाया जाता है, और आपके क्लेमाइडोमोनास में कप सेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और अगर हम आपको बताएं जिग्नीमा में, जिग्नीमा में स्टार सेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये सेप आप क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा, ठीक है।
अब इस पर देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, कि इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो तीन तरीके से होता है, वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। एसेक्सुअल में आपने हमने आपको बताया एप्लेनोस्पोर थिन होता है, हाइपनिप्नोस्पोर थिक होता है, ठीक है। जूस्पोर मैक्रो और माइक्रो के द्वारा होता है, मैक्रो बड़े होते हैं जो फीमेल की तरफ वर्क करेंगे, क्वाड्रीफ्लैजेलेट होते हैं, और माइक्रो छोटे होते हैं, बाई या क्वाड्रीफ्लैजेलेट कुछ भी हो सकते हैं। पाल्मेला स्टेज हमने बताया आपको, एकाइनिड जो होते हैं ड्राई कंडीशन अनफेवरेबल में बनते हैं। सबसे यहाँ पर जो जरूरी बात है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रीफ्लैजेलेट जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। क्या बनता है? क्वाड्रीफ्लैजेलेट जाइगोस्पोर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वाड्रीफ्लैजेलेट आपका क्वाड्रीफ्लैजेलेट जाइगोस्पोर इसमें फॉर्मेशन होता है, और इसमें ये देखिए गर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है, यानी कि गर्डल शेप को हम लोग हॉर्सशू शेप भी बोलते हैं, जैसे घोड़े का नाल होता है ना जो उसके पैर में पहनाया जाता है, तो कुछ इसी तरीके से होता है यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। जरा लगे हाथ स्पाइरोगायरा को भी देख लेते हैं। स्पाइरोगायरा को देखिए पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि ये लंबे लंबे धागे की तरह होते हैं, पूरे ये पानी में तैरते रहते हैं, इसीलिए पॉन्ड रेशम की तरह होते हैं, पॉन्ड सिल्क बोले जाते हैं। क्लोरोफाइसी कंजुगेल्स का मेंबर होता है, ठीक है। आउटर जो वाल होती है इसमें पेक्टोज की बनी होती है, अंदर सेल्लोज की बनी होती है, हमेशा याद रखिएगा पीसी प्रियंका चोपड़ा। आउटर जो होता है आपका आपका पेक्टोज अंदर वाला सेल्लोज का बना होता है, पीसी याद रखिएगा। इसमें भी रिप्रोडक्शन एप्लेनोस्पोर एकाइनिड्स इन सब के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। कॉन्जुगेशन दो तरीके का होता है, एक स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन होता है, एक लैटरल फॉर्म कॉन्जुगेशन होता है। जो स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन होता है हेटरोथैलिज्म यानी कि मेल फीमेल जिसमें अलग अलग होते हैं उसमें पाया जाता है, और होमोथैलिक यानी कि मेल फीमेल जिसमें एक ही में पाया जाएगा उसमें लैटरल कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसमें? इंटरनल होता है, और थ्री लेयर्ड थिक सेल वॉल डेवलप हो जाती है जाइगोस्पोर के चारों तरफ, और इसमें तीन न्यूक्लियस क्या होते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं, जो एक न्यूक्लियस है वही आगे चल करके आपका क्या बनाता है? नया स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन करता है। तो ये था स्पाइरोगायरा के बारे में, ठीक है। जितना बता रहे हैं जल्दी जल्दी उतना ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है आपके पास। आगे एल्गी देखिए, ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया क्या होती है? एक फिलामेंटस एल्गी होती है, फिलामेंट के फॉर्म में देख सकते हैं। इसमें ऑसिलेटिंग मूवमेंट होता है, यानी कि ये इधर भी मूव तो करता है, ये इधर भी मूव करता है। इसमें हेटरोसिस्ट नहीं पाया जाता, जैसा कि आपको पता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें हेटरोसिस्ट पाया जाता है। अच्छा, यहीं पर आपको बता दें हेटरोसिस्ट क्या होता है। हेटरोसिस्ट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। हेटरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। जो हमारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, क्या चीज़? जो हमारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है उसमें आयरन, क्या? आयरन और मॉलिब्डेनम पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका? आयरन और मॉलिब्डेनम पाया जाता है। इसमें आयरन और मॉलिब्डेनम पाया जाता है किसमें? हेटरोसिस्ट के अंदर, लेकिन ऑसिलेटोरिया में हेटरोसिस्ट नहीं पाया जाता है। इसमें जो होता है आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करता है ये, ठीक है। इसमें हार्मोगोनिया भी बनते हैं। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है ऑसिलेटोरिया के केस में, इसमें गैडगोस फेनोमेना पाया जाता है। गैडगोस फेनोमेना का मतलब होता है या क्रोमेटिक एडाप्टेशन जिसको बोलते हैं, चेंज द कलर, अपने कलर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। इसी के सबसे पहले इसको गैडगो ने खोजा था ऑसिलेटोरिया में, इसीलिए ऑसिलेटोरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑसिलेटोरिया में गैडगो फेनोमेना होता है जो कि अपने कलर को चेंज करता है। नॉस्टॉक पे आइए, नॉस्टॉक और एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है। इसमें ट्राइकोम्स पाए जाते हैं और इसमें हेटरोसिस्ट पाया जाता है। हेटरोसिस्ट के अंदर ये क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं हेटरोसिस्ट के अंदर, तो इसीलिए इसको धान के खेत में फेंक दिया जाता है, ठीक है। इसका एजोला को या एजोला के अंदर एनाबिना पाया जाता है, एनाबिना एजोली पाया जाता है, इसलिए इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर के रूप में धान के खेत में यूज़ किया जाता है, ठीक है। हार्मोगोनिया एकाइनिड्स और हेटरोसिस्ट के द्वारा क्या करते हैं? अपने आप को रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लेमाइडोमोनास में आइए, क्लेमाइडोमोनास में सबसे इंपॉर्टेंट आपके कपसेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कपसेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और विप्लेस टाइप का फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। वॉलवॉक्स में आइए, वॉलवॉक्स में खाली एक चीज़ याद रखिएगा, सिनोबियम कॉलोनी, ठीक है। वॉलवॉक्स होती है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिनोबियम कॉलोनी होती है, इसमें रिप्रोडक्शन उगैमस टाइप का होता है। अच्छा, सिनोबियम क्या होता है? अगर आपसे सिनोबियम पूछा जाएगा तो सिनोबियम जो होता है फिक्स नंबर का सेल होता है, जो कि ये फिक्स नंबर सेल गोले गोले होते हैं, खोखले आकार के होते हैं, जिसमें पैरेंटल कॉलोनी और डॉटर कॉलोनी पाई जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिनोबियम। क्या बोलते हैं इसको? सिनोबियम बोलते हैं, ठीक है। सिनोबियम फिक्स नंबर, डेफिनेट नंबर ऑफ सेल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एल्गी फ्लोटिंग ऑन द वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम के में फ्लोट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्लोट ही करेगा, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है वहाँ पे, ठीक। जो सी शोर होता है ग्रीन एल्गी के कारण होता है, लार्जेस्ट एल्गी जो होती है माइक्रोसिस्टिस, ये याद रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट एल्गी माइक्रोसिस्टिस होती है। आल एल्गी क्लोरोफिल ए और बी यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं, सब में पाया जाता है, ठीक है। और स्पायरुलिना जो होता है, ये स्पायरुलिना याद रखिएगा, ये सिंगल सेल प्रोटीन होता है, क्या इसके सिंगल सेल प्रोटीन बनाया जाता है, ठीक है, टैबलेट बनाया जाता है, स्पायरुलिना रिच होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थोड़ा सा याद रखिएगा, एल्गी का नेम ऑफ द एल्गी इधर दिखाया गया है, जैसे पोरफायरा हो गया, ठीक, ये सब फूड फूड के रूप में जापान में यूज़ किए जाते हैं, उतना इंपॉर्टेंट कोई खास बात नहीं है, लेकिन सार्गासम और लैमिनेरिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है लैमिनेरिया, क्या लैमिनेरिया, लैमिनेरिया से हमारा आयोडीन निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, आयोडीन निकाला जाता है। अलवा को समुद्री सलाद बोलते हैं, सी लेट्यूस बोलते हैं, ठीक है। लैमिनेरिया देखिए कंटेनिंग आयोडीन, आयोडीन इससे निकाला जाता है। और ग्रेसलेरिया और जेलेडियम याद रखिएगा, जो कि रेड एल्गी से निकाला जाता है, एगर एगर निकाला जाता है, ठीक है, एगर एगर क्रीम जेली पेस्टिस इस सब में डाल के खाया जाता है। सार्गासम और माइक्रोसिस्टिस यूज फूड के रूप में किया जाता है। एल्जिन, अब देखिए एल्जिन और कैरागिनिन ए हाइड्रोक्लोराइडल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं। जो एल्जिन होता है वो आपके ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसिस निकाला जाता है। और कैरागिनिन देखिए कैरागिनिन में आर आ रहा है बीच में, यानी कि रेड एल्गी, आर फॉर आर फॉर रेड एल्गी, कैरागिनिन रेड एल्गी, रेड एल्गी कॉन्ड्रोस्क्रिप्सस से निकाला जाता है, जिसको हम लोग आयरिस मॉस बोलते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा मॉस नहीं है, तो आयरिस मॉस इज नॉट ट्रू मॉस, ये आपके एल्गी है कॉन्ड्रोस्क्रिप्सस, ठीक है। और एल्जिन आपके ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है, कैरागिनिन आपके रेड एल्गी क्रोनोडक्टिप्सस से निकाला जाता है, और एगर एगर जो होता है आपके ग्रिसलेरिया और जेलेडियम से निकाला जाता है। और जो है लैमिनेरिया और फ्यूकस से आयोडीन और ब्रोमीन, फ्यूकस से क्या निकाला जाता है, जनरली ब्रोमीन निकाला जाता है, और आपके लैमिनेरिया से जनरली क्या निकाला जाता है, आयोडीन निकाला जाता है। कारा और नाइटेला, ठीक है, नाइटेला देखिए क्या होता है कि मच्छर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, मच्छर के लार्वा को खा जाता है, लार्वी साइड होता है। और क्लोरेला जो होता है एंटीबायोटिक क्लोरेलिन निकाली जाती है, ठीक। और आपके स्पेस में क्या हमने बोला, स्पेस में जो है आपके क्लोरेला को स्पेस में ले जाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच एल्गी जो होती है स्पायरुलिना होती है, कौन सी होती है, स्पायरुलिना, सबसे प्रोटीन के टैबलेट भी इससे बनाए जाते हैं। रिसर्च पर्पज से कौन कौन यूज किए जाते हैं एल्गी, क्लोरेला हो गया, सेंडेस्मस हो गया, और एसिटेबुलेरिया हो गया, वेलोनिया हो गया, ठीक। सेंडेस्मस रिसर्च फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए, एसिटेबुलेरिया रोल ऑफ द न्यूक्लियस एंड द मॉर्फोजेनेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, और वेलोनिया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम के लिए। हार्मफुल एल्गी हमारे लिए कौन कौन से हैं, तो मकोआ याद कर लीजिए, MCOA मकोआ, माइक्रोसिस्टिस क्रोकोकस और असिलोटोरिया एनाबिना, ये सब क्या काज करते हैं, ये सब एल्गल ब्लूम काज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल एल्गी होते हैं, ठीक। तो ये पूरा था एल्गी के बारे में, ओके।